नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है आयुर्वेद की पाठशाला। तो दोबारा मेरे चैनल पर आने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमने इससे पहले स्रोतस के बारे में पढ़ा था, जो कि एक रचना शरीर का एक टॉपिक है। स्रोतस शरीर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे कि स्रोतस, अगर आप जान लेते हैं कि स्रोतस क्या है, कितने इसके भाग हैं, कितने टाइप हैं, तो वेद कितने हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, सेकंड में आपको काफ़ी सब्जेक्ट में फ़ायदा होगा। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, आज हम डिस्कस करते हैं स्रोतस का मॉडर्न पार्ट। तो स्रोतस के बारे में आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ देखिए उस वाली वीडियो को, उसके बाद इस पर अगेन आइएगा। तो आप इसको उस आयुर्वेद पोर्शन को आप इससे अच्छी तरह कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। तो पहले आप वो चीज़ देखिएगा, इसके बाद इस पर दोबारा देखिए आके। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछा करिए, मैं उसका ज़रूर आपको आंसर बताऊंगा। और आपको एक हिंट और ज़रूर दे रहा हूं कि आपको अगर बात करनी हो इस रिगार्डिंग टॉपिक के, तो मैं आपको एक नंबर सजेस्ट करूंगा, तो आप उनसे भी कॉल करके पता कर सकते हैं। और मैं अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप आके मुझसे कुछ भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे कि क्या है स्रोतस की परिभाषा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, और मॉडर्न के अकॉर्डिंग में ही इसमें पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं, और यहाँ पे मैंने मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों को ही मिक्स करके इसमें है, तो यहाँ पे मैं दोनों को मिक्स करके ही बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्रोतस की परिभाषा। स्रोतस की परिभाषा की बात करते हैं, स्रोतस परिणाम प्राप्त धातुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहन करने वाले होते हैं। तो जैसा कि पहले भी हम लोग परिभाषा पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल यही परिभाषा है। तो शरीर में खाए हुए आहार से जो अन्न रस बनता है, उसी से क्रम से शरीर की धातुएं उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जो कि आप सप्त धातु पढ़े होंगे, रस रक्त मांसमेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो वही धातुएं उत्पन्न होती हैं। अतः रस से उत्तरोत्तर जो भी धातुएं होती हैं, उनका वहन करने वाले सूक्ष्म अति सूक्ष्म मार्गों को ही स्रोतस कहा जाता है। चलिए आगे दूसरी डेफिनेशन की देख लेते हैं। तो पुरुष के शरीर में जितने मूर्तिमान वाले भाव विशेष वस्तु, उतने ही इस पुरुष में स्रोत के प्रकार होते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं एक और डेफिनेशन। ये डेफिनेशन इसलिए है कि अगर आप अपने नंबर ऑफ, क्योंकि अगर डेफिनेशन जितनी आप ज़्यादा लिखते हैं तो आपका नंबर की प्रोबेबिलिटी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या कहा है उन्होंने, तो सिरा एवं धमनियों को छोड़कर किसी मूल रूप छिद्र से शरीर के भीतर फैली जो भी वहन करने वाली प्रणाली है, उसे ही स्रोतस कहते हैं। तो जैसा कि इन्होंने एक कोटेशन भी दी है, सिराधम निर्वर्जितम, तो इस तरीके करके हम लोग इसको पढ़ लिया। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देखिए, आगे एक और डेफिनेशन आ रही है, जो कि है जो रिक्त रचनाएं शरीर में किसी वस्तु को देशांतर में पहुंचाने के लिए वहन करती हैं, उन्हें स्रोतस कहते हैं। तो इसको सिंपली आपको याद कर लेना है। तो चलिए, क्योंकि मैं इसलिए इतना थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पुराना वाला मैंने लेक्चर काफ़ी स्लो पढ़ाया था और अच्छी तरह उसमें समझाया गया। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो प्लीज़ उसको पहले देखिएगा, उसके बाद इसको देखिए, जिससे कि आप कोरिलेट कर पाएँ। क्योंकि अगर उसको अगर आपने देख लिया एक बार पूरा, और पूरा वीडियो वो देखिएगा, उसके बाद आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और आज की वीडियो के लास्ट में मैं कुछ एक सरप्राइज़ रखने वाला हूँ, या सरप्राइज़ कह लीजिए, एक अनाउंसमेंट कह सकते हैं उसको। तो बिल्कुल वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको पता पड़ सके, मैं कहीं पे भी बता सकता हूँ क्या है क्या नहीं, एक सरप्राइज ही है। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे स्रोतस का भौतिक संगठन। तो भौतिक संगठन की अगर बात करते हैं, तो स्रोतस की उत्पत्ति में आकाश महाभूत प्रमुख है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद कर लेनी है, कौन सा महाभूत प्रमुख है, तो आकाश महाभूत प्रमुख है। सृष्टि की उत्पत्ति में कारणभूत होने वाले एकाधिक भौतिक सिद्धांत के अनुसार स्रोतस अवयव महाभूतों से बने हैं। उनकी उत्पत्ति के समय आकाश महाभूत का आधिक्य होता है, इसलिए स्रोतसों का संगठन आकाश प्रमुख तथा अन्य पृथ्वी वायु कौन से रूप से, गौड़ रूप से। तो अभी जे आप रूप पढ़ेंगे, आप जब आप रूप पढ़ें तो आप वहाँ पे क्लियर करिएगा कितने टाइप के रूप होते हैं, तो आपको वहाँ से समझ में आएगा गौड़ रूप क्या होता है, गौड़ रूप से महाभूत हैं। तो आगे बात करते हैं, तो पहला आपको पता ही है प्राण व स्रोतस आता है टाइप में, तो प्राण व स्रोतस की बात करते हैं, तो उसका विश्लेषण पढ़ लेते हैं। तो विश्लेषण की अगर बात करते हैं, तो सुश्रुत के मत से हृदय
अब इन्होंने क्या कहा, हृदय अर्थात हार्ट और रसवाहिनी धमनियों से, पल्मोनरी वेसल्स, ठीक है, माना जा सकता है। तो इनके मत से क्या, हृदय, हार्ट और रसवाहिनी, आपको देखिएगा आप उसमें जब आयुर्वेद से कंपेरिजन करेंगे वहाँ पे भी यही दे रखा है। और इनके इनके वेद होने से, इनके वेद होने से इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई फ्रॉम हार्ट एंड कार्डियोरेस्पिरेटरी डिस्फंक्शन के वो लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके करके आपने ये चीज़ पढ़ी। तो अब चरक के अनुसार देख लेते हैं। तो चरक के भी स्रोतोविद लक्षण रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस के लक्षण बताते हैं। इस आधार पर आचार्य चरक ने प्राण व स्रोतस का मूल हृदय और महास्रोतस माना है। तो ठीक है, और आगे चलिए आगे देखते हैं। महास्रोतस को इस प्रकरण में ट्रेकिया और चीफ ब्रोंकस मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ लिया, एक क्या बोलते, प्राण वह स्रोतस, ठीक है, प्राण वह स्रोतस अब खत्म होता है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देखिए इसमें कुछ और भी दिया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपके देखिए आपने देखा होगा नीचे भी कुछ और दे रखा है। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। तो जब इस, और एक चीज़ बता दूं कि इस चीज़ जो जिस स्रोतस जितने हैं, मैं आपको फिर भी अगेन कहना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको आना ही चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, चरक के अनुसार वर्णित प्राण व स्रोतस के मूल में हृदय और मांस स्रोतस और सुश्रुत के अनुसार हृदय और रसवाहिनी धमनियां, जैसा कि बिल्कुल आयुर्वेद में लिखा है वैसा ही यहाँ पे लिखा है, रसवाहिनियां हैं, इसे हम इस प्रकार से मान सकते हैं। तो यहाँ पर प्राण शब्द से प्राणवायु की संचार प्रणाली का बोध होता है, जिसके अंतर्गत हार्ट, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन एंड लंग्स के बीच ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप समझ रहे होंगे, डीऑक्सीजनेटेड अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आपको जल्द ही इसको क्लैरिफाई करवाने वाला हूं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अभी मैं जल्दी एक क्लास अरेंज कर रहा हूं, जिसमें कि आपको पूरी मॉडर्न की टर्मिनोलॉजी पढ़ने को मिलेगी कि आखिर कोई शब्द कहीं पर आता है तो उसका क्या मीन्स कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रेगुलर वे में आप इस चैनल पे रेगुलर आपको सीन करना है कि कहीं कोई आया तो नहीं है लेक्चर, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी लेक्चर आपसे छूट जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब तो किया है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन दबाया है तो उसको ऑल नोटिफिकेशन नहीं दबाया है। तो आप भी चेक करिएगा क्या आपने ऐसा किया है, और आपने अगर बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया है तो प्लीज़ उसको बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल पे आप क्लिक करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब से कुछ नहीं होगा जब तक आप बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाएंगे। तो पहले आप सब्सक्राइब दबाइएगा, उसके बाद बेल नोटिफिकेशन, उसके बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो चलिए आगे बात करते हैं। रस इंडिकेट फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट्स सर्कुलेशन इन होल बॉडी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं उदक व्यय स्रोतस की। तो उदक व्यय स्रोतस की बात कर विश्लेषण, तो यहाँ पे देखिए विश्लेषण क्या है, आचार्य घाडेकर ने उदक से लसका को माना है, ठीक है, उदक से मतलब क्या उन्होंने निकाला है। तो आगे बढ़ते हैं, स्रोतोदृष्टि लक्षण के आधार पर उदक से शरीर का जलयांश लेना चाहिए, जलयांश की कमी से विपासा उत्पन्न होती है, जिसकी अनुभूति का मुख्य भाग ओरल कैविटी का तालु प्रदेश, पैलेट रीजन आप समझते हैं क्या, अगर नहीं समझते हैं तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, जिससे कि मैं टर्मिनोलॉजी में उसको भी क्लियर कर सकूं, ठीक है। ओक्युलम एक संदिग्ध भाग है जिसे संदर्भ में पैनक्रियाज माना जा सकता है, ठीक है। उदक से तात्पर्य है फ्लूड ऑफ द बॉडी, ठीक है, उदक आप खुद ही समझ पा रहे होंगे, उदक का मतलब लिम्फ, और लिम्फ नोड जो होते हैं, लिम्फ पूरे शरीर में है, लिम्फेटिक सिस्टम, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो ईजिली उसको बताऊंगा किस तरीके से, तो पूरे शरीर में क्या ये फ्लूइड भरा है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, अबाउट 2/3 ऑफ द बॉडी फ्लूइड इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड, रिमेनिंग 1/3 इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, अबाउट 80% ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इंटेस्टाइनल फ्लूइड दैट इंटू 20% दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट इज प्लाज्मा, ठीक है। इस तरीके से करके आपको समझना चाहिए कि जो
2/3 जो बॉडी फ्लूड है वो इंट्रासेलुलर फ्लूड है, और बाद बाकी 1/3 जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है, जिसमें कि 80% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है जो कि इंटेस्टाइनल फ्लूड है, और 20% जो कि है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड और जो कि प्लाज्मा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं तालु से तात्पर्य। तो तालु से तात्पर्य पैलेंटाइन रीजन ऑफ ओरल कैविटी के साथ साथ, जो पैलेटाइन रीजन है ओरल कैविटी का, उसके साथ साथ स्निफनॉइड और जो सिफनॉइड रीजन होता है, मतलब सिफनॉइड जहाँ पे बोन होती है जो कि कर्ड के थोड़ा ऊपर होती है, को भी लिया जा सकता है जहाँ पर हाइपोथैलेमस में स्थित थ्रस्ट सेंटर पिपासा की अनुभूति उत्पन्न करता है। तो क्लोम से तात्पर्य पैनक्रियाज मानने पर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन ग्लूकोजन हार्मोन का प्रभाव महत्वपूर्ण है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का घटता या बढ़ना फ्लूड बैलेंस को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा जब फ्लूड बैलेंस कम या ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग जो कि नॉर्मली हम लोग ORS वगैरह या DNS वगैरह लगाते हैं या D5 लगाते हैं, तो आपने अभी D5 और DNS के बारे में नहीं जानते होंगे, तो ये थोड़ा अल्टरनेटिव मेडिसिन मॉडर्न मेडिसिन में यूज़ की जाती है जो कि अल्टरनेट मेडिसिन, तो आप उसमें वहाँ पता कर सकते हैं। अगर आपने जो जानते होंगे वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक ज़रूर ऐसा मॉडर्न का भी मैं एक बार पोर्शन ज़रूर ऐसा लाऊंगा, जो मेरे पास नॉलेज है मॉडर्न की वो मैं आपको भी बताऊंगा किस तरीके से होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो उदक व स्रोतस की दुष्टि होने पर बॉडी फ्लूइड का लॉस होता है, जिसे डिहाइड्रेशन की उत्पत्ति होती है। अत्यधिक डिहाइड्रेशन होने पर मृत्यु संभावित है। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं अन्नवृत स्रोतस की तरफ। तो विश्लेषक सुश्रुत के मत से अन्नवृत स्रोतस का मूल आमाशय अर्थात स्टोमक और अन्न का वहन करने वाली धमनियों से ईसोफेगस एंड ड्यूडेनम मान सकते हैं। सुश्रुत अन्नविध लक्षणों में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन लीडिंग टू परफोरेशन माना जाता है। चूँकि सुश्रुत शल्य प्रधान संदर्भ में अन्नवृत स्रोतस से स्टोमक एंड ड्यूडेनम लेना चाहिए। चरक के मत से पूर्णतः आमाशय अर्थात बॉडी ऑफ स्टमक एवं बाम पार्श अर्थात फंडस ऑफ स्टमक है। स्रोत दुष्टि के लक्षण में गैस्ट्रो इंटेस्टाइज एंड गैस्ट्रोटाइसिस आदि मिलते हैं। तो अर्थात एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन। तो आगे बढ़ जाते हैं रसव स्रोतस। मैं आपको इसलिए तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका मॉडर्न पोर्शन जल्दी लेके आना है और आपको अच्छी तरह पढ़ता आना है। ठीक है, यहाँ पे कोलैबोरेट किया गया है मॉडर्न और आयुर्वेदा। हो सकता है अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, मैं इसको और इजी बनाने की कोशिश करूँगा। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, क्योंकि आयुर्वेद थोड़ा कठिन पोर्शन है, तो आप उसको भी पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा पढ़िएगा। ठीक है, और पुराना वाला जो मेरा लेक्चर है वो ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आ सके। तो रसव स्रोतस का विश्लेषण उपरोक्त दोनों मलों के अनुसार रसव स्रोतस से हृदय और उससे निकलने वाली धमनियाँ हैं जिनसे शरीर में रक्त का संचार होता है। इसे रक्त में माध्यम से आहार से प्राप्त रस धातु भी शरीर में संचरित होती है। आप देख रहे हैं रसव स्रोतस से जाहिर है रस की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। और आचार घाड़ेकर ने रसव स्रोतस से कैपिलरीज का वर्णन किया है। रसव स्रोतस के संदर्भ में रस को व्यापक अर्थ में लेना चाहिए, जो शरीर में उत्पन्न प्रथम पोषक भाव है। यह रस ही शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचकर उसे पोषण प्रदान करता है, साथ ही उपापचय एवं जैविक क्रियाओं के लिए आधार बनता है। इसलिए आचार्य चरक ने रसव स्रोतस दृष्टि में अरुचि, पांडुता, कृशता, मंदाग्नि का वर्णन किया है, और ये सभी लक्षण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण उत्पन्न होते हैं। चलिए पांचवें की बात करते हैं रक्तव स्रोतस की। तो विश्लेषण का पढ़ लेते हैं। रक्तव स्रोतस का मूल चरक ने यकृत और प्लीहा बताए हैं तथा सुश्रुत ने यकृत, प्लीहा और रक्तवाहिनी धमनियां माना है। इस संदर्भ में निम्न बिंदु महत्वपूर्ण हैं। लिवर इज द मेन सोर्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, लिवर ऑल्सो एक्ट टू स्टोर द आयरन, विटामिन एंड हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ RBC ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, तो लिवर जो होता है वो क्या चीज़ स्टोर करता है, क्या चीज़ स्टोर करने में एक्ट करता है, आयरन हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं। ठीक है, हो क्या सकते हैं, होते ही हैं। एंड हेल्प क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ RBC के निर्माण में कार्य करता है। तो आप समझ रहे सिंथेसिस, आपको ये चीज़ भी नहीं समझ में सिंथेसिस कुछ ऐसी, तभी मैं कह रहा हूँ टर्मोलॉजी कुछ ऐसी हैं जो मॉडर्न की जो आपको आनी चाहिए, तो मैं जल्दी उसको लेके आऊँगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो मॉडर्न में। तो स्प्लीन प्रोड्यूस ब्लड सेल ड्यूरिंग फीटल लाइफ विद इन द व्हाइट पल्प ऑफ स्प्लीन, बीटा सेल एंड टी सेल परफॉर्मिंग इम्यून फंक्शंस।
ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने रक्त व स्रोतोविद के जो लक्षण बताए हैं वह ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर एंड ब्लड सप्लाई रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, इसलिए वह रक्त व स्रोतोमूल के रक्त व धमनियों की भी गणना की है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मांस व स्रोतस विश्लेषण। मांस व स्रोतस के संदर्भ में स्नायु त्वचा और रक्तवाही धमनियों के मांस व स्रोतस के संबंध में स्नायु का वर्णन किया गया है, अर्थात जो मांस अस्थि के बंधन में कार्य आती है वही स्नायु है, जो कि सूत्र में कनेक्टिव टिश्यू हैं। त्वचा में स्किन को लिया जाता है, अतः मांस व स्रोतस स्किन मसल फाइबर रिलेटेड कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज इन मसल की ओर संकेत करता है। मसल की ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई बाधित होने पर उनके कार्य बाधित होते हैं और पैथोजेनेसिस प्रोड्यूस ड्यू टू मांस व स्रोतस और ब्लड सप्लाई पैथोजेनेसिस प्रोड्यूस ड्यू टू मांस व स्रोतस विथ सेलिटीज स्वेलिंग नोड्यूलर ग्रोथ इन ब्लड वेसल्स एंड अल्टीमेटली डेथ इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड सेल दैट इज वेसिलिटीज मे लीड टू मसल पेन और मायोलोजिया। तो जैसे मायोलोजिया ये एक टर्म है, हाँ अब मैं बता रहा हूँ मायोपैथी। जैसे मायोपैथी आप नहीं समझ पा रहे, जब भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर स्प्लिट करके, क्योंकि एक दो अगर बता दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब तो नहीं बता पॉसिबल है क्योंकि उसके लिए अलग से ही क्लास होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे होंगे मायो और पैथी, ठीक है, तो आप इतना समझिए जैसे मायो जहाँ पे भी आएगा तो वहाँ पे हम लोग हार्ट के बारे में अध्ययन करें, कभी भी कहीं पे भी मायो आएगा तो उसका मतलब हार्ट से होगा। और पैथी ऐसी एक पैथी मतलब जैसे एक आयुर्वेदा पैथी है तो हम आयुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे, तो ऐसी ही पैथी है तो इसमें क्या करेंगे हम इसके क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं एनी डिसीज़ और एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ स्ट्रेटेड मसल इज कॉल्ड मायोपैथी, ठीक है। अब देखते हैं आगे मेदु व स्रोतस विश्लेषण। कटी शब्द लंबर रीजन ग्लूटियल रीजन के लिए तथा ब्रेक से तात्पर्य पेरीनेफ्रिक एंड प्रीनेफ्रिक फैट से संबंधित है और यहाँ पर फैटी कलेक्शन होता है। बपावहन से ओमेंटम का दृढ़ किया गया है। स्रोतदृष्टि के कारणों में चरक ने व्यायाम का अभाव दिवास्वप्न चर्बीयुक्त भोजन इत्यादि को वर्णन किया है जो मेद की वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार प्रमेय के पूर्व रूपी मेद वृद्धि के कारण उत्पन्न होते हैं। मेद वृद्धि से एडिपोज टिश्यू में फैट कलेक्शन होता है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं अस्थि व स्रोतस की बात कर लेते हैं। तो विश्लेषण, तो अस्थि व स्रोतस का मूल मेद और जगन से अर्थात लॉन्ग बोन के डायफाइसिस पार्ट में स्थित फैटी बोन मैरो को मान सकते हैं, क्योंकि मेद को फैट माना जाता है, जगन भाग से थाई बोन का ग्रहण होता है। फीमर बोन मैरो हैव डीप कलेक्शन ऑफ फैट। क्लिनिकली इट इज सीन दैट इन फ्रैक्चर ऑफ फीमर फैट मे कम आउट फ्रॉम बोन मैरो कैविटी एंड कॉज फैट एम्बोलिज्म। आपको पता नहीं होगा एक जो फ्रैक्चर होता है ना, तो फ्रैक्चर भी पैर में एक पर्टिकुलर साइड दी हुई है, लेकिन क्या है कि हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं उसको या नहीं पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड से मिस हो जाती है, बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जब हम डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं, जब आप अगर शुरू से ही अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल पता पड़ेगा कि आपके फ्रैक्चर भी एक बिल्कुल साइट है उसकी, कि फ्रैक्चर वहीं पे होता है और कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो आगे चलिए आगे बढ़ लेते हैं ऑस्टोमलेशिया। हाँ, और एक चीज़ बता दूँ, तो ये देखिए ऑस्टियो अगर कभी भी आ जाए तो उससे मतलब क्या आप निकालेंगे, बोन से, ठीक है। तो ऑस्टोमलेशिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन सो दैट बोन बिकम फ्लेक्सिबल एंड ब्रिटल। तो बहुत फ्लेक्सिबल बोन, बहुत अलग टाइप की बोन हो जाती हैं इसमें, बहुत लचीली टाइप की, तो उसको क्या कहते हैं, ऑस्टोमलेशिया। तो और दूसरा देखिए ऑस्टियोमलाइटिस, तो अब इसमें क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ बोन। तो ऑस्टियो का मतलब समझ रहे होंगे, बोन से मतलब है। तो आगे बढ़ जाते हैं मज्जा व स्रोतस की बात करते हैं। तो विश्लेषण, आयुर्वेद मतानुसार मज्जा एक धातु है। मज्जा धातु के क्षय से अस्थियां दुर्बल होती हैं, ऐसा प्रतीत होता है। रोगी वात्यादि से पीड़ित हो जाता है और धातु पोषण क्रम में मज्जा से ही शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है, अतः मज्जा क्षय से अल्पशुक्रता होती है। आधुनिक मत से मज्जा से बोन मैरो ग्रहण करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका मॉडर्न देखते हैं। तो बोन मैरो इज द साइट ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। बोन मैरो पैथोजेनेसिस मे कॉज हेमाटोलिटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमिया, इम्यूनो डिफिशियंसी डिसीज एक्सेट्रा।
तो आगे बढ़ जाते हैं शुक्र स्रोतस के, और आप परेशान मत होइएगा, जितना भी एनीमिया, इप्लास्टिक, हिमोलिटिक क्या है, मैं बिल्कुल आपको ए टू जेड बताऊंगा। थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, इस पर बिल्कुल मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूंगा। थोड़ा सा मुझे भी समय लगता है, क्योंकि आपके लिए कोई भी अगर चीज़ बनाने में भी थोड़ा मुझे समय लग रहा है, हालांकि मैं इस पर नहीं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाले नोट्स एक सर के हैं, जो कि मैं आपको नीचे उनका फुल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, ठीक है। तो उनसे, क्योंकि मेरा एक टारगेट है कि अच्छे अच्छे नोट्स आप तक पहुंच सकें, इसलिए मैं नोट्स उनसे लिया हूं, कि जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे बात करते हैं विश्लेषण। विश्लेषण में टेस्टिस ग्रेड करते हैं, जहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा स्पर्म फॉर्मेशन होता है। यही स्पर्म वासा डिफरेंसेस इजैकुलेशन डक्ट से होकर यूरेथ्रा से बाहर आते हैं। इस प्रकार स्रोतोमूल में ब्रिसड और सेफ की पुष्टि होती है। शुक्र व स्रोतस स्त्री और पुरुष दोनों में बताया गया है। शुक्र को सर्वशारीर व्यापी माना गया है। मेल सेक्स ऑर्गन एंड टेस्टिकुलर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट डिसेंट्स ऑफ टेस्टिस बिफोर बर्थ। स्पर्मेटोजेनेसिस इज प्रमोट्स सेक्सुअल करेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्ट्रोजन रेगुलेट फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, रेगुलेट ऊजेनेसिस, मेंटेन्स प्रेगनेंसी, प्रमोट फीमेल 2 degree सेक्सुअल करेक्टर इंक्लूडिंग ब्रेस्ट, ठीक है। तो आप इसका मतलब समझ ही रहे होंगे, और नहीं समझ रहे कोई बात नहीं है, मैं आपको अभी नहीं, मैं इसलिए नहीं अभी बता रहा हूँ इसको थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप आयुर्वेदा सीख जाएं और आयुर्वेदा का चित्र तैयार कर लें, और इसका मैं जो मॉडर्न पोर्शन है वो मैं टोटली ही मॉडर्न बताने वाला हूँ। आप उसमें बिल्कुल भी आपको आयुर्वेदा नहीं मिलेगा, तो क्योंकि ऐसा लग रहा होगा आपको, बहुत प्रॉब्लम इसमें लग रही होगी कि आयुर्वेदा मिक्स है, इसलिए हो सकता है, और अगर नहीं लग रहा है तो अच्छी बात है, तो आप देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, मूत्र व स्रोतस की बात करते हैं। बस्ती से यूरिनरी ब्लैडर ग्रेड किया जाता है। मूत्र व स्रोतस मूल में सुश्रुत में मूत्राशय शब्द प्रयोग ना कर बस्ती व मेड का ग्रेड किया है। यहाँ पर बस्ती से यूरिनरी सिस्टम, जिसके अंतर्गत किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर तथा मेड से यूरेथ्रा का ग्रेड किया जा सकता है, ठीक है। चरक ने वंक्षण की गणना की गई है। संभवतः यूरेथ्रा की पेल्विक में स्थित वंक्षण भाग में समीप है, इसलिए इसे मूल में माना गया है। मूत्र व स्रोतस की दृष्टि से लक्षण इस प्रकार हैं, ऑब्स्ट्रक्शन इन आउटफ्लो ऑफ यूरिन, रीनल डिसऑर्डर, ठीक है। अगला पढ़ लेते हैं, पुरुष व स्रोतस। तो पुरुष व स्रोतस की अगर बात करते हैं, तो विश्लेषण सुश्रुत के अनुसार पक्वाशय एवं गुद तथा चरक पक्वाशय एवं स्थूल गुद से लार्ज इंटेस्टाइन का ज्ञान होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जल का अवशोषण, मल का निर्माण होता है। कोलोन में का एब्जॉर्प्शन होकर मल का निर्माण एवं रेक्टम में मल का संग्रह होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, गुद एवं स्थूल गुद में टर्मिनल पार्ट का GIT अर्थात सिग्मोइड कोलोन एंड रेक्टम एंड एनल कैनाल का बोध होता है, और यहाँ से होकर मल का विसर्जन होता है। स्रोतोविद के लक्षण में कोलोनाइटिस, डायरिया, क्रोनिक बाउल सिंड्रोम, ये एक बीमारी है, क्रोनिक बाउल सिंड्रोम, ठीक है, इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। तो आगे स्वेद व स्रोतस के बारे में नहीं दिया है, तो आर्तव्य स्रोतस पढ़ लेते हैं। विश्लेषण, तो आर्तव्य स्रोतस से यूरेटर, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब का ग्रहण किया जा सकता है। बंधता जैसी लक्षण कभी कभी ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब के कारण हो सकते हैं। गर्भाशय से यूट्रस के साथ साथ सर्विक्स एंड वेजाइना का ग्रहण किया जा सकता है। स्रोतोवेद में एंडोक्राइनोटिस, वेजिनाइटिस मिलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मन व स्रोतस। तो मन व स्रोतस की बात अगर करते हैं, तो मन व स्रोतस का स्रोतस प्रकरण में पृथक वर्णन नहीं किया गया है, परंतु शास्त्रों में विभिन्न स्थानों पर मन व स्रोतस संबंधित वर्णन आया है। चरक ने इंद्रियोत्क्रमणीय, आप समझ रहे होंगे इंद्रिय उत्क्रमणीय, तो इंद्रिय इसमें आ गया है, अर्थात अध्याय में इंद्रियोत्क्रमणीय अध्याय में मन का अर्थ, बुद्धि और आत्मा, इन्हें आध्यात्म द्रव्य एवं गुणों का संग्रह कहा गया है। मनोवय स्रोतस का वर्णन चरक इंद्रिय स्थान 5 में आया है। चरक चिकित्सा के उन्माद चिकित्सा में मनोवय स्रोतस का संदर्भ आया है। जिन व्यक्तियों का मन दुर्बल हो जाता है, उनमें वातादि दोष, बुद्धि के निर्वास स्थान, हृदय को दूषित कर मनोवाही स्रोतसों में आश्रित होकर मन को मोहित कर लेते हैं, तभी उन्माद की उत्पत्ति होती है। माधव निदान में भी मनोवय स्रोतस के दूषित होने पर सुख दुख की अनुभूति
ना होना और मूर्छा का आना बताया गया। अपस्मात चिकित्सा में भी मनुवश्रुतस का वर्णन है। तो मैं आपको बता दूं इन सर के बारे में, जिनका नाम है सुनील कुमार बिंद, तो जो कि ये चंद्रशेखर आयुर्वेदिक संस्थान में पढ़ते हैं जो कि कौशाम्बी में है, यूपी में। तो अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होती है इस नोट्स में, ठीक है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई आपको, अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, आप कांटेक्ट नहीं लगता है किसी वजह से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इसका ज़रूर आपको निराकरण बताऊँगा। और आपको कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल आप इसमें कमेंट में कर सकते हैं। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके, कमेंट करके शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और अगर आपको और भी, जैसे और भी जो चैप्टर जैसे हैं, और भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के, तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके आप बकायदे चेक कर सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं। आपको पूरी तरह बिल्कुल मिलेंगे, आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, और प्लेलिस्ट में फोर्थ ईयर तक के आपको बिल्कुल लेक्चर मिलेंगे। तो बेधड़क कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ और हमेशा के लिए। तो अगर आप पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर कर रहा हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, लेकिन आप ये प्लीज़ देख लीजिए, आपने बेल आइकन दबा रखा है, इन दबा रखा है, और बेल आइकन दबाने के बाद आपने ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर रखा है, नहीं कर रखा है, क्योंकि मेरे पास मेल आया हुआ है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। केवल 30% लोगों ने केवल दबा रखा है और बाद बाकी ने बेल आइकन दबाया ही नहीं है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई आप चीज़ मिस कर दें, तो इसलिए प्लीज़ आप उस जगह जाके प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिले, ठीक है, थोड़े से हम लोग भी कुछ कर सकें आपके लिए और अच्छा ला सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।